क्वेश्चन है, जब देखो मुंह उठा के चली आती हो, ना मेकअप करती हो ना कुछ करती हो, अपना मुंह देखा आईने में। और हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे आज रुचि को हुआ क्या है। जैसे ही मैंने आप सबको पहले बताया था कि 15 डेज पे मैं आप सबके साथ Q&A करूँगी, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मुझसे रिलेटिव या वीडियो से ब्लॉग से रिलेटिव सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और मैं पर्सनली तो इतने सारे सबको आंसर नहीं दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि Q&A कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे एक महीने से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो एक ही जैसे थे, सेम क्वेश्चन सेम रिपीट रिपीट करके आ रहे थे। तो अगर वो सब देख रहे हो मेरा व्लॉग, तो उनको पता चल जाएगा, उनके क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले मैं कॉपी में लिखती थी, अब मैं फ़ोन से ही डायरेक्ट लूँगी, क्योंकि मैंने सबके स्क्रीन शॉट ले लिए हैं और जिसने जिसने क्वेश्चन किया है उनके आंसर मैं देती हूँ। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने व्लॉग में जो है तैयार होके क्यों नहीं आती हैं, आप मेकअप क्यों नहीं करती हो जैसे और लोग करते हैं, वो सब क्यों नहीं करती हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी रियल लाइफ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। घर में जैसे लोग रहते हैं, भाई मेकअप करके तो कोई नहीं रहता, रोजाना कोई नहीं मेकअप करता है। तो सिंपल सा घर में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही मैं रहती हूँ, मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ स्क्रिप्ट मैंने लिख ली हो फिर आपको दिखा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरी रियल लाइफ में होता है मेरे साथ, जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं शो करती हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कम से कम लिपस्टिक तो लगा लिया करिए, तो मैं आप सभी जानते हो कभी कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं लिपस्टिक लगा लूँ। हाँ, मगर मैं अपना स्किन केयर जरूर करती हूँ, क्योंकि स्किन केयर करना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन अगर ब्यूटीफुल है तो सब कुछ ब्यूटीफुल है, लिपस्टिक तो हम कभी भी लगा लेंगे। तो बस ये सिंपल सा आंसर है, मैं जैसे रहती हूँ घर में वैसे ही मैं आप सबके साथ दिखाती हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन किया है, मोस्टली बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, आपको कितने लोगों के नाम बताऊं, तो मुझसे पूछा है कि आप तीन चार महीने हो गए हैं आप मायके क्यों नहीं गई हैं। मुझे खुद नहीं याद है कि मैं कितने महीने हो गए हैं मैं मायके नहीं गई हूँ, मगर आप सबको सब पता है कि मैं मायके क्यों नहीं गई हूँ। तो अभी आप मेरे ब्लॉग में अगर नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी, तो काफ़ी दिन से मैं उसमें बिजी हूँ और अभी भी बिजी हूँ। उससे पहले तेजस के एग्ज़ाम हो रहे थे, स्कूल खुले थे, तो मायके जाना पॉसिबल मेरा नहीं हो पा रहा है। और तेजस जो है वो आते हैं नानी के घर, मगर मैं नहीं जा पाती हूँ, अगर मैं जाऊँगी तो आपको व्लॉग्स अच्छे अच्छे कैसे मिलेंगे। प्लस वहाँ पर जो है जाने का मतलब है मेरा सुबह से लेकर रात तक के का पूरा रूटीन, पूरा डे आप मुझे वहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है, एक दो घंटे के लिए जाने से कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, एक क्वेश्चन इसी में और था, क्या था, एक मिनट, हाँ था कि आप जो आपका क्या मायका लोकल है। तो जी हाँ, मेरा मायका लोकल है, लखनऊ में ही है, तो इसीलिए मैं बिंदास कभी भी चली जाती हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं अब एक महीने के लिए रुकूंगी, 10 दिन के लिए रुकूंगी, सुबह जाती हूँ शाम को आ जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। तो कोई गेमिंग चैनल है, उन्होंने पूछा है कि क्या आप व्रत सावित्री का व्रत नहीं रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर किसी क्या हर कोई व्रत नहीं रह जाता है, आप समझ सकते हो, और सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसी हिसाब से रहते हैं। और पूजा तो सबकी होती है, तो पूजा तो करनी करनी है, तो आप समझ गए होंगे कि सबके यहाँ रीति रिवाज अलग होते हैं, हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
क्वेश्चन का आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है, और अभी मैंने रिसेंटली नमकीन का एक व्लॉग शेयर किया था, और नमकीन जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और सबने बहुत ज़्यादा भर भर के उसके लिए तारीफ़ की है। और आप सभी को पता है, अभी मैंने रिसेंटली व्लॉग शेयर किया, 3 दिन पहले किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आप भी घर में नमकीन बनाकर रख सकते हैं। तो अगर आप सबको ऐसी नमकीन पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप और कोई रेसिपी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, उसके बीच मुझको लग गई है प्यास। बहुत ठंडा पानी है, तेजस ने बहुत ठंडा पानी भर के रखा है। नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 month 30 days चैलेंज क्या है, प्लीज बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से आप नए हो गए मेरे चैनल पे। 1 month 30 days चैलेंज ये है कि 1 month से लगातार मेरे वीडियो आ रहे हैं, वैसे तो डेली आते हैं, डेली व्लॉग्स मेरे आते ही आते हैं। जो मैंने जिस मंथ से मैंने शुरू किया था, उस मंथ से मेरे रेगुलर वीडियो आ रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा था, अगर आप मुझे लगातार 1 week तक के कमेंट करते हो, और कमेंट के लास्ट डे वाले दिन यानी संडे को मैं उस जिसका कभी कमेंट लगातार आता है बिना एब्सेंट किए हुए, उस सब्सक्राइबर का मैं नाम लेती हूँ, शाउट आउट करती हूँ, बताती हूँ, और साथ में स्क्रीनशॉट भी मैं लगाती हूँ। तो ये है 1 month चैलेंज। साथ में मंथ के जब मेरा पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 days जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं उस सब्सक्राइबर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी इंस्टाग्राम का। नहीं तो आप लखनऊ रुचि ब्यूटी के नाम से मुझे सर्च कर सकते हो, वहाँ पर बहुत आराम से मैं मिल जाऊँगी। तो मेरे ख्याल से आपको 1 month चैलेंज का पता चल गया होगा कि किस तरह से खेलना है, गेम है किस तरह से करना है। और प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और वहाँ पर मेरे लाइफ के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपने क्या किया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस पर मैंने फुल व्लॉग बना के रखा हुआ है, वीडियो बना के रखा हुआ है, आप सबके पास पहुंच भी गया होगा, बहुत से लोगों ने उसको देख भी लिया होगा, माय इंट्रोडक्शन करके, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पर भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। मैं ये क्वेश्चन बोलना नहीं चाह रही थी, मगर मुझे बोलना पड़ रहा है, बहुत दिन से ये एक नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है। आते तो बहुत से, मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मगर ये आ रहा था कि क्वेश्चन है, जब देखो मुंह उठा के चली आती हो, ना मेकअप करती हो ना कुछ करती हो, अपना मुंह देखा आईने में, और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस क्या मतलब कि कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। भाई कौन मेकअप करता है डेली व्लॉगिंग में, डेली कौन शीशे के आगे खड़ा होता है और मेकअप करता है, कौन करता है? भाई मैं तो नहीं करती हूँ, और जो भी मेरी रियलिटी है, जो मैं हूँ, वही मैं आपको दिखाती हूँ, वही प्रेजेंट करती हूँ। ऐसे तो कोई नहीं करता है ना कि डेली मेकअप करता है, फिर जाता है किचन में खाना बनाता है, इतनी सड़ी हुई गर्मी में पहले मैं मेकअप करूँगी, उसके बाद किचन में जाऊँगी ताकि भूत बन के फिर से वापस आ जाऊँ, ऐसा क्या कौन करता है? भाई मैं तो नहीं करती हूँ, और भाई बहुत से लोग करते हैं, इनको मेकअप करना पसंद है, मुझे इतना मेकअप करना नहीं पसंद है, और मैं डेली तो मेकअप नहीं कर पाती हूँ। स्किन केयर जरूर करती हूँ डेली, दोनों टाइम, तो
तो ये कमेंट मुझे बहुत आ रहा था कि मुंह उठा के चली जाती हो, मेकअप नहीं करती हो, शक्ल अपनी आईने में देखी है कभी क्या, इस तरह के कमेंट आ रहा है। मैंने कई बार ये डिलीट किए हैं, कई बार, और एक ही व्यक्ति का आ रहा है, एक ही व्यक्ति का कई बार मैंने डिलीट किया। मैंने सोचा इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, मगर अब की मैंने कहा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए आप सबको कि इस तरह के भी कमेंट आ रहे हैं। और हाँ, इन्हीं मैडम ने किया है, कहा है, क्या कहा है, वही कपड़े बेर बेर रिपीट करती हो, बेर बेर वही कपड़े पहनती हो, मेरे पास कपड़े नहीं है क्या? तो नहीं है मेरे पास कपड़े, आपको बुरा लगता है तो आप दे जाइए मेरे घर, मेरे पास जो है मैं वही दिखाती हूँ, और डेली डेली घर में कोई फैशन करके नहीं घूमता है, डेली डेली फैशन नहीं करता है कोई कि डेली नए कपड़े पहनेगा और फिर जाके किचन में खाना बनाएगा या घर के काम करेगा। तो भाई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमारे पास जो है, वही मैं दिखाऊंगी। आप लोग देख रहे हैं मेरे इस ब्लॉग को, वीडियो को, अगर आप इस बात से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे अभी पता चले कि कितने लोग एग्री हैं इस बात से। तो इन मैडम का तो मैंने ऑलरेडी मैंने कमेंट डिलीट कर दिया है, बहुत ज़्यादा आ रहा था कई बार, हर डेली यही क्वेश्चन होता था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तो मुझे इन नेगेटिव कमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे खुशी होती कोई भी कमेंट करे। तो लास्ट क्वेश्चन है तेजस के बारे में। तेजस बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, साथ में आपका टाइम पास कराता रहता है पूरे टाइम, व्लॉग में बहुत कॉमेडी करता है, बहुत हंसाता है हम सबको, तो थैंक यू। उसका नेचर ही ऐसा है, वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना चुलबुला, उस टाइप का उसका नेचर है, और वो हम ऑफ कैमरा भी हम लोग को बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, मतलब एक मिनट बैठना नहीं है उसको, और दिन भर में तो 10 बार मुझसे डांट खाता है, तो उसका नेचर ही ऐसा है। तो फ्रेंड्स आज का Q&A यहीं एंड करते हैं। जिन लोगों का मैंने क्वेश्चन नहीं पिक किया है उसका अगली बार मैं ज़रूर पढ़ूंगी पक्का, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं सबके क्वेश्चन पढ़ूंगी तो, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, फिर आपको भी परेशानी होगी देखने में। तो अगली बार मैं आपके क्वेश्चन ज़रूर पिक करूंगी, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट संडे, मतलब आज क्या है, थर्सडे है, फ्राइडे को आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो संडे को हो सकता है कि आप विनर हो, आपका नाम मैं शाउट आउट करूं, आपका नाम, आपका कमेंट मैं लगाऊं। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का एंड मैं यही करती हूं, फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।